इसके साथ में 455 गत्ते भरे हुए बिस्किट जिसमें से बरामद किए गए, ये माल इसके साथ में बरामद किया गया है। कुल 7 अदद क्षतिग्रस्त गत्ते भी बरामद किए गए हैं। थाना थरवई में एक सूचना प्राप्त हुई जिसके अनुसार एक ट्रक जो असम से हरियाणा के लिए निकला था उसको असम में ही चुरा कर कुछ बदमाशों के द्वारा इलाहाबाद में थरवई में रोका गया है। इस सूचना पर जब थरवई पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई तो वहां से मौके से एक DCM ट्रक जो हरियाणा नंबर का ट्रक है इसके साथ में 455 पेटी बिस्किट जो पतंजलि कंपनी के हैं इनको बरामद किया गया। जो प्रारंभिक जाँच की गई है उसके अनुसार इन सभी माल को यहीं इलाहाबाद में और प्रयागराज में क्षेत्र में सभी जगह लोकल डीलर्स को बेचने का प्लान था, इनका भंडाफोड़ किया गया है। आगे इस तरह की जानकारी की जा रही है क्या ये किसी अन्य घटना में शामिल रहे हैं तो इन पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कितने की जो बिस्किट इसको डाला गया क्या उसकी कीमत होगी? जो प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इसकी जो अनुमानित लाग है वो लगभग 3.5 लाख रुपये है जो इसमें माल बरामद किया गया है उसकी ये कीमत है। कुछ और लोग भी इसमें पूछताछ में कितने लोग कुल एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है तथा एक अभियुक्त अभी फरार है जिसकी तलाश चल रही है।